यहाँ आप सब इकट्ठा हुए, हम लोगों को ये पुरस्कार दिया. एक्चुअली हम लोग जो जिस काम के ऊपर अभी जो जहाँ ज़्यादातर काम करते हैं नारी शक्ति के ऊपर, और जो महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं होता है, जो अपना अपने बल पे खड़ी होना चाहती हैं पर उनको मालूम नहीं होता है कि कैसे हम लोग खड़े हुए, और उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है अंदर से कि मैं कुछ कर सकती हूँ, हम उन्हीं औरतों के लिए आवाज़ की तरह खड़े हैं. तो इसी वजह से हमने एक संस्था शुरू की थी 2015 में जिसका नाम है मैना महिला फाउंडेशन. तो तोता मैना की तरह, मैना जो पंछी होती है बहुत बोलती है, हम चाहते हैं कि औरतें मैना की तरह बहुत आगे बोलें और उनकी आवाज़ें सबको सुननी चाहिए. हमारे औरतें सबसे शक्तिशाली होती हैं, सबसे पावरफुल औरतें होती हैं, बट एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं हो पाती हैं. काफ़ी बार हम जहाँ स्लम कम्युनिटीज में भी काम करते हैं, आप गांव-गांव में भी देखेंगे, औरतों के दोस्त लोग बहुत कम होते हैं. उनको बोला जाता है कि आप घर पे रहो बेटा, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, तुम मत निकलो. लड़कों को ये पाबंदी नहीं है, उनको जो करना चाहे वो कर सकते हैं, बट लड़कियां नहीं कर सकती हैं. तो आज इस मंच पे मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप अभी जाएंगे तो कोई भी मैसेज लेकर के जाएंगे तो वो यही है कि आप अपनी बेटी और बेटे को एक जैसे पालिए. और बचपन से शुरुआत से अगर वो लड़की को ऐसा लगेगा कि मैं काबिल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो आगे जाकर के भी वही करेगी, वो अपने लिए लड़ेगी और औरतों के लिए लड़ेगी. थैंक यू.